जेबीडी समाज कल्याण समिति की ओर से चलाई जा रही अपनी रसोई कार्यक्रम के अंतर्गत आज सेक्टर 12 में छठी बार अपनी रसोई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर 10 रुपए में नाश्ता किया और जेबीडी समाज कल्याण समिति की ओर से चलाई जा रही इस स्कीम की सराहना की। जेबीडी समाज कल्याण समिति की ओर से नवीन कुमार ने बताया कि इस बार की अपनी रसोई देश के शहीदों को समर्पित है और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 2 दिन बाद है, इसलिए आज यह कार्यक्रम अपनी रसोई में तिरंगे झंडे चारों तरफ से लगाए गए हैं, जिससे देशभक्ति का संदेश लोगों में जाए। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा धारा 370 और 35 समाप्त किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे देश की एकता और अखंडता को बल मिलेगा और देश में एक समान विकास हो सकेगा। नवीन कुमार ने बताया कि अपनी रसोई कार्यक्रम हर गरीब को सस्ते में नाश्ता उपलब्ध करवाना ही हमारा उद्देश्य है, जिसके चलते अब यह रसोई शहर के विभिन्न स्थानों पर भी लगाई जाएगी, जिससे कि हर क्षेत्र का आदमी अपनी रसोई में 10 रुपए में सस्ता नाश्ता कर लुफ्त उठा सके। उन्होंने बताया कि अगली बार रसोई का आयोजन कमेटी चौक पर किया जाएगा, जिससे वहां के आसपास के लोग पहुंचकर नाश्ते का लुफ्त उठा सकेंगे। यह है कि जैसे एक तो मोदी जी ने देश को जो सौगात दिया है, इतना पुराना सपना उन्होंने पूरा किया है, धारा 370 के चीज से हटाकर, उसकी खुशी है। दूसरा, हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, उसी की खुशी के रूप में हमने यहाँ पे इसको सारा अपनी आपकी रसोई को इस बार देशभक्ति के रूप में सरोबार किया है। तो यही हमारा आज का विशेष उद्देश्य है। जैसे कि स्वतंत्रता दिवस के समारोह शुरू हो गए हैं, तो उसी कड़ी में ही आज के आपकी रसोई इसी चीज़ को समर्पित है। और इसमें विशेष यह है कि इस बार हमने यहाँ पे लगाते हुए छठी बार हो गया है, अब इसको हम अगली बार शिफ्ट कर रहे हैं कमेटी चौक पे। जैसे कि करनाल के लोगों की पुरजोर मांग थी कि इसको जगह परिवर्तन कर करके लगाया जाए, ताकि पूरे करनाल के लोगों को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि बहुत दूर दूर से भी लोग कहीं नहीं पहुंच पाते यहाँ पे। तो इसको समय समय पर हम जगह परिवर्तन करके इसको लगाते रहेंगे। जेबीडी कल्याण समाज की ओर से ये जो आपकी रसोई कार्यक्रम चल रहा है, इसमें मैं जेबीडी कल्याण समाज को बहुत कुछ बताया। हाँ जी, क्या कैसे मुझे बताया कि 15 अगस्त और रक्षाबंधन का त्यौहार नजदीक है, तो हमारी खुशी डबल हो गई है कि हम उस लक्ष्य में हम इसको एक और उत्साह से जो है इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। और अगली बार जैसे हमने बताया कि हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि करनाल के जितने भी गरीब तबका लोग हैं, तो सबको जो है इस जो रसोई का है, आपकी रसोई का जो जेबीडी समाज में रसोई के द्वारा लगाई गई है, उसको पुरजोर लाभ मिले। और यही हमारी जो है एक मतलब पूरी कोशिश है कि सब जितने भी गरीब तबके लोग हैं करनाल के, सबको जो है इस सुविधा का लाभ मिले, यही जेबीडी कल्याण को का उद्देश्य है। और 15 अगस्त और रक्षाबंधन का त्यौहार के जो नजदीक आ रहे हैं, उसका भी एक जो है इसका विशेष महत्व है, इससे जो है मतलब एक बहुत अच्छा संदेश जो है करनाल की जनता को जा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।